The Congress on Thursday came out guns blazing at the ruling with a rare appearance of Sonia Gandhi in a press conference. Congress party's top leadership didn't hold back as they accused the BJP of playing a dangerous game. The BJP, however, was quick to react. Here's the full story. Addressing a rare joint press conference, Sonia Gandhi accused PM Modi of orchestrating a systematic effort to financially cripple the Congress party. Accompanied by party president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, Sonia Gandhi alleged a dangerous game is being played by the government, demanding a level playing field in electoral politics. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen, and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging... Kharge, meanwhile, highlighted the recent Supreme Court ruling declaring the electoral bonds illegal and unconstitutional, criticizing the BJP for allegedly filling its coffers dubious means while freezing the Congress party's bank accounts. Supreme Court ne जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वही कांग्रेस को 11% ही मिले हैं और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं। इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। Reacting to the allegations, BJP's Ravi Shankar Prasad slammed the opposition, saying that the Congress is showing utter desperation of imminent defeat. अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन अटर डेस्परेशन ऑफ इमिनेंट डिफीट द कांग्रेस पार्टी एट द हाईएस्ट लेवल सॉट टू क्रिएट एन एलिबाई टुडे। कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन
जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। सुभाषिष गोविकर एंड निखिल जलमी फॉर गुवाहाटी 65।